Assalamu alaikum my dear friends, my name is shahzadmaqsood. Welcome back to a new video on my YouTube channel. I hope you all are ठीक होंगे, अल्लाह ताला के करम व फजल के साथ में खैरियत से होंगे. So आज वीडियो में हम Vivo V21e को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई थी और ये डिवाइस प्री ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन आज के दिन ये डिवाइस ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हो गई है. यू नो के Vivo V21 सीरीज को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और ये अभी तक की पाकिस्तानी मार्केट में Vivo की फ्लैगशिप सीरीज है. और V21 एक ऐसी सीरीज थी जिसमें Vivo ने कैमरा फीचर्स पर एक स्पेशल फोकस किया था, बहुत ज़्यादा कैमरा फीचर्स के साथ में और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये सीरीज प्रोवाइड की गई थी. मिड रेंज प्राइस में इस डिवाइस का जो बेस वेरिएंट था वो आपको प्रोवाइड किया गया था. सो ये एक बजट प्राइस टैग में आपको Vivo V21e डिवाइस प्रोवाइड की गई है. सो जो इसका डिज़ाइन और बॉडी है ये आपको Vivo V21 यानी कि V21 सीरीज की स्टैंडर्ड डिवाइस का ही प्रोवाइड किया गया है. आज की वीडियो में हम इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस को भी देखेंगे, प्राइस टैग को भी देखने वाले हैं. वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त आप में से चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बिना वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को देखें, बैग में आपको सेम कैमरा सेटअप यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप पैक किया गया है. 64 मेगापिक्सल का इस डिवाइस में मेन कैमरा पैक किया गया है, 8 मेगापिक्सल का दूसरा लेंस इस डिवाइस में अवेलेबल है और 2 मेगापिक्सल का आपको एक थर्ड लेंस इस डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है. साथ में बैक पर आपको एक एलईडी फ्लैश भी मिल जाएगा. फ्रंट पर आए तो 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस डिवाइस में पैक किया गया है, यानी कि फ्रंट पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है और ये कैमरा आपको रेजोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किया गया है. आगे बढ़े तो ऑटो डिबॉक्स यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है. 2.3 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की स्पीड इस डिवाइस में पैक की गई है और यहाँ पर सामने आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G की चिप प्रोवाइड की गई है, जो कि एक बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने वाली है. जीपीयू को डिस्कस करते चले तो एड्रीनो 618 का जीपीयू इस डिवाइस में पैक किया गया है. अब अगर इसके डिस्प्ले पर आए तो AMOLED टचस्क्रीन इस डिवाइस में पैक की गई है, जिसका साइज 6.44 इंचेस है और ये डिस्प्ले आपको 1080x2400 रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली है. इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो सिंगल वेरिएंट में ही ये डिवाइस पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च की गई है, यानी कि 8GB ऑफ रैम 128GB ऑफ रोम वाला सिंगल वेरियंट ही पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है. यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया गया है. बैटरी को डिस्कस करें तो एक एवरेज बैटरी लाइफ आपको इस डिवाइस में मिलेगी, यानी कि 4000mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की गई है और यहाँ पर सामने आपको 30W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रोवाइड की गई है. अब एडियाने के इसके प्राइस को देखें तो जो इसका पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस दिया गया है वो अराउंड 46,000 रखा गया है, यानी कि वीवो का जो ऑफिशियल प्राइस दिया गया वो 46,000 है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको कुछ रिलैक्सेशन के साथ में ये डिवाइस मिल जाएगी. सो अगर आप इस प्राइस टैग में एक बेस्ट डिवाइस बाई करना चाहते हो जो कि एक बेस्ट कैमरा फीचर्स के सामने हो, तो आई थिंक दिस डिवाइस फॉर यू, बहुत ही बेस्ट फीचर्स के सामने ये डिवाइस लॉन्च की गई है. ये था वीडियो में करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करते जाना. नेक्स्ट वीडियो तक ले जा दीजिए. दिस इज मिशन आप सुख अल्लाह हाफिज़.